हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों ने सभी जगह मैनेजमेंट वर्ड को सुना होगा, तो क्या आपको इन मैनेजमेंट वर्ड का मतलब पता है? आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक काम करने का तरीका है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। कैसे? इफ़ेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी। यहाँ पर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम आगे और भी ब्रीफली करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है जो भी हमारा गिवन टास्क है हमें वो गिवन टाइम के अंदर कम्प्लीट हो, और एफिशिएंटली का मतलब है जो भी हमारा गिवन टास्क है वो कम से कम कॉस्ट में और विदाउट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास कवर हो। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं आगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके बारे में हम आगे अपनी बिजनेस स्टडीज़ में फर्दर पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। अब नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ द डिस्टिंक्ट प्रोसेस of consisting of planning, organizing, activating and controlling performed to determine and accomplish the objectives of the use of the people and resources. ये थी हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिख कर आएंगे तो वहाँ पर उसका जो एक है नेम दिया होता है, उस नेम के साथ लिख कर आएंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो हमें फुल मिलेंगे। अब मैनेजमेंट को समझते हैं हम एक एग्जांपल लेके। मैनेजमेंट पता क्या है, हर एक जगह पे चाहिए होती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं अपने घर का, क्या आपको पता है हमारे घर में भी मैनेजमेंट होती है? जिसे कौन मैनेजमेंट करता है? ऑब्वियसली हमारी मदर्स। आपको पता है मदर किस तरह से सुबह मैनेज करती है? जो स्टूडेंट जो उनके चाइल्ड्स हैं वो स्कूल जाने वाले हैं, तो वो सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, घर का सारा काम करती हैं। जॉब पर जाती हैं तो वो खाना बना के सारा काम करके फिर जॉब पे जाते हैं या वहाँ से आने के बाद अपना काम करती हैं। तो इस चीज़ का क्या है, एक टाइम टेबल बना हुआ है जो किसके थ्रू है, मैनेजमेंट के थ्रू। और ये मैनेज कौन करता है? हमारी मदर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, वही इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हम सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द कम्प्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब भी हमारा कोई गिवन टास्क है उसका कम्प्लीशन कब हो, उसी गिवन टाइम के अंदर अंदर हमारा टास्क जो है वो कम्प्लीट हो जाए। एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू द कम्प्लीशन ऑफ द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब जो हमारा काम है वो सही ढंग से करा जाए, करेक्ट वे में करा जाए, कम कॉस्ट के साथ, बिना किसी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक्स में, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। इट इज़ कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। जो हमारी इफेक्टिवनेस है वो किसके साथ कंसर्न है? अचीवमेंट ऑफ द एंड रिजल्ट के साथ, कि हमारे पास उसका एंड रिजल्ट क्या आता है। लेकिन जो वहीं अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो हमारे पास एफिशिएंसी किसके साथ कंसर्न है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ। कॉस्ट जो है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे क्या हमारी कॉस्ट निकल रही है, क्या हमारा काम जो है गिवन कॉस्ट से ज़्यादा में हो रहा है या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इस टारगेट को कौन ध्यान में रखता है? एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में, प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और इसमें प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू इट्स मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो टाइम पर कंसीडर करी जाती है, कि जो प्रोडक्शन है गिवन टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो, और यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन टारगेट है वो कम से कम कॉस्ट में, हम उसे कितनी कम कॉस्ट में हम उसे एक्वायर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स कम्प्लीशन विद इन द गिवन टाइम। उसकी क्वालिटी पर फोकस करा जाता है वो गिवन टाइम में कंप्लीट हो, और यहाँ पर हमारा फोकस इज ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज अ कंटिन्यूस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मोर देन एट अ लोअर कॉस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर आता है फोकस जो है मेन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो बिना किसी वेस्टेज के, वो होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और कॉस्ट बेनिफिट जो है वो भी हमारा साथ के साथ में चलता रहेगा ताकि हम उसे लोअर कॉस्ट पे एक्वायर कर सकें। एंड नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, या फिर हम इसे फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट भी जो है वो कह सकते हैं। जो मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो फीचर्स हैं वो हमारे पास 7 हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास आता है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम देखते हैं कि कोई भी काम है जो वो करा जाता है उसका एक कोई ना कोई गोल होता है, पर्टिकुलरली
जो स्टेटेड है हमारे पास गोल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं उस गोल को अकम्प्लिशमेंट करने के लिए। तो वैसे ही हमारे पास मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल है हमारे पास तो ही तो हमारे पास मैनेजमेंट है। अगर हमारे पास कोई गोल ही ना हो अचीव करने के लिए तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस। वही बात देखा जो मैंने आपको कही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिक सेट ऑफ द गोल्स होता है और वही रीज़न है मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द अचीविंग ऑफ दीज गोल्स। अब जो मैनेजमेंट है उन वहाँ के जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में है, ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को वो क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड फंक्शन जो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेज यहाँ पर परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। इसको हम इजी लैंग्वेज में कहें तो ऐसा काम जो हर जगह रिक्वायर हो, हर लेवल पे, हर एक चीज़ में। और वैसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमें एक ऑर्गेनाइजेशन पे हर लेवल के लिए रिक्वायर है, हर काम के लिए रिक्वायर है, और हर लेवल पे हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट रोल मिलेंगे, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो, या फिर वो सुपरवाइजरी लेवल हो। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना। मैनेजमेंट है वो हमें हर जगह चाहिए होती है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली बिजनेस फर्म्स, इट इज़ एप्लीकेबल टू द प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इवन अ हॉस्पिटल, स्कूल, होस्टल, क्लब एंड इवन अ हाउस हैज़ टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। अब जो मैनेजमेंट है उसकी जगह, उसकी जो ज़रूरत है वो हर जगह है, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, नॉन बिजनेस फर्म ऑर्गेनाइजेशन हो। एग्जांपल लेते हैं हम हॉस्पिटल्स का, क्या हॉस्पिटल्स में हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होती? हम देखते हैं वहाँ पर स्लिप काउंटर्स होते हैं, उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट चाहिए। वहाँ पर नर्सेज हैं, उनकी जो सैलरीज हैं, डॉक्टर की सैलरीज हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो सब क्या हैं, वहाँ के मैनेजमेंट ही हैं, मैनेजमेंट का ही हिस्सा हैं वो लोग। तो एक हर चीज़ को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की। और इसके अनदर एग्जांपल हैं, एग्जांपल द स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, क्लब हैं, हाउस हैं। हम सभी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो क्या देखते हैं, हमारी मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल्स जो हैं, ये हमारे कहाँ पर आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर, जो एक स्कूल को चलाने के लिए एक मोटिव देते हैं, एक गोल होता है उनका सेट करना, वो क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। और वो एजुकेशन हमें किस तरह प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करके। जस्ट एग्जांपल उनके टीचर्स उनके क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पर मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तो इसके लिए हमारे पास थ्री डायमेंशन आती है, किस किस तरह से वो किस किस चीज़ों को मैनेज करती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये तीन तरह के जो मैनेजमेंट है हम देखते हैं, मैनेजमेंट जिसको ऑर्गेनाइज करती है फॉर इन अ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, नाम से ही क्लियर है, काम से रिलेटेड है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क और गोल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स और वर्क टास्क दैट आर टू बी अकम्प्लिश्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क्स के लिए और अपने गोल्स के लिए। जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो एम करती हैं अपने गोल्स को अचीव करना थ्रू अपने वर्क के थ्रू, ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। अब हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट कैसे करती है और उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, HR डिपार्टमेंट। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सैलरी भी तो ले रहे हैं ना, तो उसकी मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट हर चीज़ को देखती है, तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, इतने सारे स्टाफ को उसने कैसे संभालना है। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाई टर्निंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। अब मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल क्या करती है, जो अपने एम्प्लॉयज़ है उसे काम पर लगाती है। किस काम पर लगाती है, अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें काम देती है,
उस गोल को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में उन्हें पुश करती है, कैसे उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिव बनाकर और जो उनकी वीकनेस है उसे रिलेवेंट करके। अब हमारे पास थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी नेचर फॉर इट्स सर्वाइवल हैज़ टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड सर्विसेज। दिस इज़ डन बाय अ प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर जो रॉ मटीरियल है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिज़ायर आउटपुट और प्रोड्यूस। यहाँ पर अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में जो भी हमारा काम हो रहा है उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, वो हमारा सब क्या आ जाएगा, ऑपरेशंस में आ जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके नेचुरल सर्वाइवल के लिए हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और जो से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डिज़ायर आउटपुट में, प्रोडक्शन प्रोसेस आती है यहाँ पर मेनली ऑपरेशंस के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये फ्लो चार्ट है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस आगे, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कौन से आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल में आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड यहाँ पर आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, जितना भी है वो हमारा सारा किस में आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास अब, इसके फीचर्स। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब आप सभी ने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है क्या वो रुक जाता है एक टास्क अचीव करने के बाद, क्या वो दूसरे टास्क की तरफ नहीं जाएगा। सपोज करो जैसे ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं, वैसे ही अगर आपकी एक विश पूरी होगी, आपको जींस लेनी थी आपने जींस ले ली, तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको ये होगा कि आपके पास उसके ऊपर डालने के लिए एक अच्छी सी शर्ट भी हो, तो क्या आप शर्ट नहीं लोगे, आप ऑब्वियसली बात है कि यू विल गो फॉर अ शर्ट। तो उसी तरह मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। एक गोल को अचीव करने के बाद वो किसकी तरफ जाता है, दूसरे गोल को अचीव करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस फंक्शंस आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली बाय द मैनेजर्स ऑल द टाइम इन द अचीवमेंट्स ऑफ गोल। अब जो ये प्रोसेस है वो कैसे कराया जाता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व है, स्टाफिंग इन्वॉल्व है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व है। इन फंक्शंस को एक साथ लेकर जब मैनेजमेंट चलती है वो कैसे चलती है, कंटिन्यूसली चलती है, जिसमें जो भी सारे मैनेजर्स हैं वो हर टाइम किसकी तरफ काम करते हैं, एट द अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए वो काम करते हैं। एक गोल के अचीवमेंट के बाद वो क्या करते हैं, दूसरे गोल की तरफ जाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आता है मैनेजमेंट ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब हम मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट तो हमारे वो होते हैं ना जो टॉप लेवल पर होते हैं पीपल्स, वो मैनेजमेंट में आते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करती है, जो बाकी सारे उनके नीचे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके एफर्ट्स को क्या करता है, यूनाइट करता है। मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन से नहीं बनती है, मैनेजमेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को कंबाइन करता है। An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of a group has a different purpose for joining the organization. But as the member of an organization, they work towards fulfilling of a common organizational goals. अब देखो वो ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, अब जो हमारे पास जो भी इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किससे काम करता है, अपने मोटिव से। लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है तो वो अपना काम जो करता है वो किसको डिवोट करता है, वो अपने काम को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर जो डिफरेंट पीपल्स और द साथ मिलकर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम देखते हैं और कंपनी के अंदर होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट मिल्स के किस एक चीज़ के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। भले ही उनका काम डिफरेंट है, उनका पर्पस डिफरेंट है, उनका डिपार्टमेंट डिफरेंट है, उनके जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम उस काम को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल बन जाता है, जिसके लिए उन सभी के एफर्ट्स क्या जा रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इसलिए अब हम मैनेजमेंट का क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये किसी भी सिंगल इंडिविजुअल से नहीं बनती है, हमेशा कलेक्शन ऑफ अदर इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रुप एक्टिविटी में आएगा मैनेजमेंट के अंदर।
अब जो मैनेजमेंट है, नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है, मैनेजमेंट इज़ द डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। जो हमारी मैनेजमेंट है इज़ द डायनामिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग और डायनामिक एनवायरनमेंट। हमें पता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा एक चेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है, डायनामिक एनवायरनमेंट है। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बदलता जाता है, उसी तरह मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है। फॉर सपोज़ हम लेते हैं जो कस्टमर्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हम इसे लेकर चलेंगे। जो हमारे कस्टमर्स हैं, सपोज़ उनकी डिमांड बदल गई, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका टेस्ट चेंज हो जाना, उनकी फेवरेटिज्म नॉन फेवरेटिज्म में आ जाना, तो वो सब हमारे क्या होंगे, चेंजिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी क्या करेगी, उसी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग हो रहा है जो, उसी को लेकर स्टेप्स उठाएगी और मैनेजमेंट भी खुद क्या करेगी, चेंज होगी। तो अगर हमारे पास देखो, अब एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। जो पहले थे मोबाइल फ़ोन्स कौन से थे, बटन वाले, सपोज़ नोकिया वाले, एंड नाउ कौन से फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। तो उसी तरह क्या होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, अब जो फ़ोन्स की डिमांड है हमारे पास, ओल्ड फ़ोन्स की डिमांड जो है मार्केट में नहीं रहेगी। आज का जो कंज्यूमर है वो कौन सा फ़ोन प्रेफर करेगा, स्मार्टफोन को प्रेफर करेगा। इसलिए मैनेजमेंट ने भी क्या करा, जो पुराने फ़ोन्स थे, बटन्स वाले फ़ोन्स थे, उन्हें प्रोड्यूस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। न्यू टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया और स्मार्टफोन प्रोड्यूस शुरू कर दिए। जो उन्होंने स्मार्टफोन की प्रोडक्शन करी वो किससे रिलेटेड था, डायनामिक एनवायरनमेंट से। तो मैनेजमेंट ने भी क्या करा, अपने आप को बदल लिया, और इसी को ही हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट। वो अपने आप को ईजिली दूसरे एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर लेती है। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का फोर्स का मतलब होता है जो हमें ना दिखे, जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, बस हम उसे फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल अनसीन फोर्स, इट्स फंक्शंस इज़ नॉट विजिबल बट इट रिजल्ट्स आर फेल्ट। अब जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है, क्या मैनेजमेंट को छू सकते हैं, क्या हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं, नहीं, बस महसूस कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर इम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरीज टाइम पर मिल रही हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं, तो ये समझ लेना है कि इस चीज़ का पार्ट होगा, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। अगर इम्प्लॉयज़ खुश हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, अचीव हो रहे हैं, सब काम अच्छे से हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स। ऐसा एग्जाम्पल आएगा एंड क्वेश्चन भी, तो इसको ढंग से करना। और मैनेजमेंट हमारे पास इंटेंजिबल भी इसलिए है क्योंकि हम उसके फंक्शंस को देख नहीं सकते। फंक्शंस जो तो हैं हमारे पास, वो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं वर्क, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ ये मैनेजमेंट कर रही है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे देखा नहीं जा सकता। नाउ अ क्विक रिकैप हम करेंगे, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इसके फाइव फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मेन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं इसमें, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड, मैनेजमेंट इज परवेसिव। थर्ड वन, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसके अंदर आ जाएगा वर्क, पीपल एंड ऑपरेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज द डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज द इंटेंजिबल फोर्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। Do not forget to subscribe my channel.